नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीलीभीत में पुलिस ने गैंगस्टर अपराधियों पर कुर्क की कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर गजरौला थाना क्षेत्र के निवासी अपराधी गैंगस्टर धर्मेंद्र सिंह ने अपराध से इकट्ठा की गई अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है, साथ ही जिसकी कीमत लगभग 35,51,000 रुपए बताई जा रही है। दूसरी ओर थाना गजरौला क्षेत्र में आरोपी गैंगस्टर गुरपाल सिंह ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करके बनाई गई अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। शासन एवं डीजीपी महोदय के निर्देश अनुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान में जनपद पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट की 14 एक्ट के तहत प्रॉपर्टी सीज किए गए हैं, जिसमें दो अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर्स की थाना सुनगढ़ी एवं थाना गजरौला में कार्रवाई की गई है। उनके लगभग 1,20,00,000 कीमत की प्रॉपर्टी, जिसमें मकान भी है और व्यावसायिक भूमि भी है, इनको जो अनैतिक क्रियाकलापों से जो इन्होंने कमाया है उसको 14 गैंगस्टर्स के तहत कार्रवाई कर सीज किया गया। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने इस दौरान दो शातिर बदमाश समेत लूट के माल को खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 11 मोबाइल और 9,500 रुपये भी बरामद किए हैं। शाहजहांपुर में रात के अंधेरे में किसी घटना को अंजाम देने जा रहे 5 बदमाश कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में काले कपड़े पहने हुए बदमाशों के पूरे गैंग को देखकर गांव में दहशत फैल गया। ग्रामीण पूरी रात भर जागकर बदमाशों की तलाश में जागते रहो की आवाज लगा रहे थे, जिसके बाद बदमाशों की तलाश में एसपी ने पुलिस की कई टीमें लगाई हैं। साथ ही आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सात जुलाई को गंगसरा एक जगह है, जहाँ पे एक मकान के बाहर से 6-7 लोग वहाँ से सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए देखे गए। ये ज़रूर क्रिमिनल ट्राइब्स के प्रतीत होते हैं। यहाँ पे जितने भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, उनकी बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन है और हमारी सतत निगरानी भी है, और इस ओर प्रयास किया जा रहा है कि ये जो भी लोग होंगे इनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो पड़ोसी जिले हैं उनसे भी हमारा समन्वय बना हुआ है और हम लोग जो भी इंटेलिजेंस है उसको शेयर कर रहे हैं और जल्द ही ये गिरफ्त में होंगे। हरदोई में रास्ते में कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने लहराए असलहे, लाठी डंडे के साथ आकर सार्वजनिक जमीन पर किया कब्जा। इस घटना में महिलाओं के हाथों में भी दिखे लाठी डंडे। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के तेदुई गांव में तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को घर से ले जाकर पीड़ में बांधकर दबंगों ने जमकर पिटाई की है। पिटाई से युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर गोंडा से है। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर के एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आने से उसकी तत्काल जान चली गई। वहीं दूसरे घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के टढक्की पट्टी गांव के ठाकुर दीनपुरवा गांव का बताया जा रहा है। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में दो पक्षों के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता को एक पक्ष ने बंधक बनाकर मारपीट की। साथ ही अधिवक्ता को बंधक बनाकर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ता को बंधक से मुक्त कराया। वहीं पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। पेट्रोल टंकी से पैसा लेकर आ रहा था, वो जो दिल्ली में जिनका मैंने जो है वकील रहते हुए
जिनका मैंने मुकदमा किया है और अभी इस वर्ष इसी महीने में दहेज हत्या के आरोपियों को विधिक राय दिया है, वो जेल गए हैं और वो जो है उसी बात की रंजिश दोनों पक्ष रखते थे। और जो सन्नो है उसकी पुत्री का जो है बलात्कार का केस था, उसमें आलमीन को हमने 2018 में नाबालिग करार करते हुए जमानत करवा दी थी। हरदोई में सावन के सोमवार पर एक बड़ी कांवड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां कांवड़ शोभा यात्रा मंडी परिसर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर से शुरू हुई है। ये शोभा यात्रा राजघाट पहुंची, जहां राजघाट से जल लेकर कांवड़िया इसी नीलकंठ महादेव मंदिर में आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। पुलिस ने कांवड़ियों के भीड़ को देखते हुए कड़ी व्यवस्था की है, चारों तरफ पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी के साथ साथ ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी रखी जा रही है। गल्ला मंडी से तैयार होकर जाती है, फिर ये बिलग्राम चुंगी तक पदयात्रा जाती है। इसमें हाथी ऊँट ये सब वगैरह डीजे वगैरह है, रथ हैं, सिंह घोड़ा है, और उसके बाद वहाँ से सवारी से जाती है, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग सवारी बिलग्राम चुंगी से। अब उधर से बहुत से जो है पदयात्रा लेकर के आते हैं, उसका वहाँ एक राजघाट में खाना बनता है, फिर वापसी में बिलग्राम में बनता है। मंडी से व्यापार मंडल की शोभा यात्रा निकल रही है महादेव की, जो नीलकंठ महादेव से प्रारंभ हो करके जिंदपीर चौराहे रेलवेगंज से होते हुए सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, मुन्ना मियाँ और बिलग्राम चुंगी से होते हुए राजगढ़ जाएगी और वहां से जल लेकर के गंगा जल और आ करके फिर नीलकंठ महादेव जानकी राम जानकी मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। लगभग इनके काम जुलूस में शोभा यात्रा में 3,000 से 4,500 आदमियों की भीड़ है, सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए गए हैं। खबर हरदोई से है। हरदोई में भाई बहन के स्नेह और प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को अब 4 दिन शेष रह गए। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व को लेकर हरदोई शहर के बाजारों में रंग बिरंगी राखियां की दुकानें खूब सजी हुई हैं, जहां भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें मनपसंद राखियां खरीदने में जुटी हैं। वहीं बाजार में हर आयु के व्यक्ति के लिए अलग अलग मनमोहक राखियां उपलब्ध हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।